अस्सलाम वालेकुम। हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी एक बहुत कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम है। इस वीडियो में जो मैं मैनेजमेंट आपको बताऊंगी, यानी कि डाइट के हवाले से और सप्लीमेंट्स के हवाले से, वो ना सिर्फ उन खवातीन के लिए है जो इस टाइम पे प्रेग्नेंट है, बल्कि उन खवातीन और उन मर्द हजरात के लिए भी है जो सिंपली हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं। प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन चूंकि बहुत कॉमन है, तो अगर 100 प्रेगनेंसीज हैं तो उनमें से 6 से 15 खवातीन के अंदर हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम आ सकता है प्रेगनेंसी के अंदर। हाइपरटेंशन 3 तरह की होती है। एक होता है क्रॉनिक हाइपरटेंशन, यानी कि उन खवातीन के अंदर ऑलरेडी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था, कभी डायग्नोज नहीं हुआ था, तो 20 हफ्तों से पहले जब वो अपना बीपी चेक करवाने जाती है तो उनको पता लगता है कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में, यानी कि 20 हफ्तों के बाद आपको ये पता लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है, तो इसको हम कहते हैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ठीक है, और थर्ड तरह का जो होता है वो होता है क्रॉनिक हाइपरटेंशन विद सुपर इम्पोज्ड प्री इक्लैम्शिया। मतलब कि औरत के अंदर पहले ही ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था हमल होने से पहले, और बाद में जब हमल हुआ उसको, तो उसके साथ उसको प्री इक्लैम्शिया हो गया, यानी कि उसके यूरिन के अंदर प्रोटीन्स आना शुरू हो गए। आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी क्या होता है, क्यों होता है, किन के अंदर ज्यादा रिस्क होता है। ठीक है, उसके अलावा इसके क्या क्या अलामत होती हैं और इसकी मैनेजमेंट आप डाइट और सप्लीमेंट्स के साथ क्या कर सकते हैं, ये क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकती हैं बेबी के अंदर और मदर के अंदर। मेरा नाम है आयशा चीमा एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है। ठीक है, 20वें हफ्ते के बाद यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपका ब्लड प्रेशर हाई आता है, यानी कि आपकी जो रीडिंग्स आई हैं वो ऊपर वाली लिमिट जो है वो 130 से ज्यादा है और जो नीचे वाली लिमिट है वो 80 से ज्यादा है या 90 से भी ज्यादा है। ठीक है, तो मेनली हम इसको कैटेगराइज करते हैं कि अगर ऊपर वाली लिमिट 140 है और नीचे वाला जो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आया है वो 90 है, तो 140 बाय 90 जो है ये हाई ब्लड प्रेशर होता है जिसको इलाज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये एक रीडिंग में नहीं आता, ये कम से कम 2 या 3 रीडिंग में आता है। ब्लड प्रेशर लेने का तरीका क्या है कि आपकी जो ब्लड प्रेशर मशीन है वो हार्ट लेवल के ऊपर होनी चाहिए, और दूसरा ये कि बैठी हुई पोजीशन में या लिया जाता है या फिर थोड़ा सा सुपाइन पोजीशन में नहीं होता, मतलब कि बिल्कुल आप फ्लैट नहीं लेते हुए हैं, थोड़ा सा आप प्रॉप्ड अप हैं, ठीक है, थोड़ा सा एलिवेटेड है, इस पोजीशन में ब्लड प्रेशर लिया जाता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर कोई लेट के ले रहा है तो ये गलत टेक्निक है, ये गलत रीडिंग्स देता है। ठीक है, अब ये जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, इसमें और प्री एक्लैम्शिया में फर्क होता है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का मतलब यह है कि आपकी प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते बाद आपका ब्लड प्रेशर हाई आता है, सिर्फ ब्लड प्रेशर की रीडिंग हाई है। ठीक है, प्री एक्लैम्शिया एक कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की, जिसमें आपका ना सिर्फ ब्लड प्रेशर हाई है बल्कि आपका जब वो यूरिन एग्जामिन करते हैं तो उसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद होता है, यानी कि अगर आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन्स मौजूद हैं और आपका ब्लड प्रेशर भी हाई है तो इसको कहते हैं प्री एक्लैम्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं कि इसकी क्या क्या वजूहत होती है। एक तो ये कि अगर औरत की एज जो है वो 20 साल से कम है या 35-40 साल से ज्यादा है, ठीक है, सेकेंडली अगर औरत जो है वो ओवरवेट है यानी कि ओबीस है, तब उसके अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं। थर्डली अगर ये उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है। फोर्थली अगर उनके अंदर आईवीएफ का ट्रीटमेंट हुआ है और प्रेगनेंसी हुई है। और फिफ्थ ये कि अगर उनके अंदर ऑलरेडी डायबिटीज का प्रॉब्लम था, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम था, मेडिकल प्रॉब्लम्स थे यानी कि लूपस का प्रॉब्लम था, ब्लड डिसऑर्डर्स थे यानी कि थ्रोम्बोफीलिया वगैरह के प्रॉब्लम्स थे, तब उनके अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर उनकी मल्टीपल प्रेगनेंसी है, यानी कि उनकी ट्विन प्रेगनेंसी है या ट्रिपलेट्स की प्रेगनेंसी है, तब उनके अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं हाई ब्लड प्रेशर। उसके अलावा अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, यानी कि ऑलरेडी उनकी मदर या सिस्टर के अंदर हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम आएगा। और अगर उनकी लास्ट प्रेगनेंसी में ये सारे प्रॉब्लम्स थे, उनको डायबिटीज थी, हाइपरटेंशन थी, तो मोस्ट लाइकली चांसेस होते हैं कि उनकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर भी ये प्रॉब्लम आ जाए। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या अलामत होती हैं हाई ब्लड प्रेशर की। कुछ अलामत होती हैं जो बहुत सिग्निफिकेंट होती है। एक तो ये कि आपको स्वेलिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, चेहरे के ऊपर स्वेलिंग होती है, बॉडी के ऊपर स्वेलिंग होती है, खासतौर पर पैर आपके बहुत ज्यादा सूज जाते हैं, हाथ सूज जाते हैं आपको, रिंग्स आपकी पूरी नहीं आती है, ठीक है। और ये स्वेलिंग ऐसी है कि सुबह उठते सार बहुत ज्यादा स्वेलिंग होती है, और जैसे एज द डे प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे दिन गुजरता है, आपकी स्वेलिंग जो है वो कम नहीं होती है, ठीक है, तो तब आपने जाके अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करवाना है।
कुछ खवातीन के अंदर चक्कर बहुत ज्यादा आते हैं, कुछ को हेडेक्स का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, कुछ के अंदर विजन का, उनको नजर जो है वो धुंधला आना शुरू हो जाता है, उनके आईसाइट का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, ठीक है। कुछ खवातीन को जो है एकदम वेट गेन बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि बस 10 दिनों के अंदर उनका 2 से 3 किलो जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशन के हवाले से। कॉम्प्लिकेशन बेबी के अंदर भी होती है अगर हाई ब्लड प्रेशर हो, और इस हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम सिर्फ बेबी के अंदर नहीं होता है, मदर के अंदर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। बेबी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? ऑब्वियसली अगर जो है ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है और वो कंट्रोल में नहीं है, तो जो प्लेसेंटा होता है, जो कनेक्शन होता है माँ और बच्चे के दरमियान में, उसके अंदर से प्रॉपरली ऑक्सीजन की सप्लाई बच्चे को नहीं जाती है, और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और खाना वगैरह बच्चे को प्रॉपरली नहीं जाता है, जिसकी वजह से बच्चे का जो बर्थ वेट है, ठीक है, वो कम हो जाता है, उसका वेट कम होना शुरू हो जाता है, और IUGR बेबी होता है, यानी कि उनके अंदर ग्रोथ की रिटार्डेशन हो जाती है, उनकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपरली नहीं होती है, ठीक है। तो बच्चा जो है वो एज के लिए छोटा होता है साइज के अंदर। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे के इर्द गिर्द जो फ्लूइड मौजूद होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड मौजूद होता है, वो कम होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा अगर ये प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए और ये प्री क्लैम्पशिया में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि प्रोटीन्स यूरिन में आना शुरू हो जाते हैं, तो एक प्रॉब्लम आ सकती है मदर के अंदर भी और बेबी के लिए भी, जो उनकी जान के लिए बहुत खतरनाक हो जाती है, और वो है प्लेसेंटल एब्रप्शन। प्लेसेंटल एब्रप्शन का मतलब ये है कि जो प्लेसेंटा है, जो कनेक्शन है, वो बच्चेदानी की वॉल से जो है वो खिंच जाता है, वहां से उसका कनेक्शन जो है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, जो ऑब्वियसली मदर और बेबी दोनों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। उसके अलावा जिनके अंदर प्री इक्लाम्शिया का प्रॉब्लम आता है, उसमें बेबी को वक्त से पहले भी डिलीवर करना पड़ता है, तो सी सेक्शन के चांसेस जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा एक और कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, जिसको कहते हैं हब्स सिंड्रोम। हब्स सिंड्रोम में क्या होता है कि प्लेटलेट काउंट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, और लिवर के एंजाइम्स जो है वो हाई होना शुरू हो जाते हैं, लिवर के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जो माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में मेनली मेडिकल मैनेजमेंट होती है, जिसमें आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दिए जाते हैं, और ये ड्रग्स बहुत सेफ होते हैं प्रेगनेंसी में यूज करने के लिए। दूसरा ये कि आपने पानी का इंटेक जो है वो ज्यादा करना है, कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी आपने जरूर पीने हैं। उसके अलावा आपने अपनी डाइट के अंदर नमक की मिकदार और जो फैट वाले खाने होते हैं उसकी मिकदार कम रखनी है, ठीक है। और उसके अलावा आपने लेफ्ट साइड पे करवट ज्यादा लेनी है। अगर आप रिलैक्स करना चाहती हैं तो लेफ्ट लैटरल पोजीशन में आपने लेटना है, यानी कि उल्टी साइड पे आपने करवट लेकर लेटना है। अब हम बात कर लेते हैं उन खानों की जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। अगेन, ये बहुत सेफ होते हैं उन औरतों के लिए जो प्रेग्नेंट है, और बाकी मर्द हजरात और औरतों के लिए भी जिनको वैसे ही हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है। एक तो ये सिट्रस फ्रूट्स आपने जरूर खाने हैं। सिट्रस फ्रूट्स के अंदर ऑरेंजेस आ जाते हैं, ग्रेप फ्रूट आ जाता है, लेमन जूस आ जाता है, इसका इस्तेमाल आपने जरूर करना है। दूसरा ये कि आपने बेरीज का इस्तेमाल ज्यादा करना है, ये भी फुल ऑफ पोटेशियम होते हैं, फुल ऑफ मैग्नीशियम होते हैं, जो आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प करते हैं। फिश का इस्तेमाल आपने करना है, खासतौर पर सैल्मन का। इसके अंदर ओमेगा 3 मौजूद होता है, जो अगेन बहुत ज्यादा हेल्प करता है ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। फोर्थ आ जाते हैं जी बीन्स एंड लेंटिल्स, यानी कि दालों का इस्तेमाल आपने जरूर करना है। इसके अंदर मैग्नीशियम और पोटाशियम मौजूद होता है, फाइबर मौजूद होता है, जो ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। उसके अलावा आपने पिस्ते का इस्तेमाल करना है, पिस्टाशियोस, जिसके अंदर पोटाशियम होता है, अगेन ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प करे। उसके अलावा पम्पकिन सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं ब्लड प्रेशर को कम करने में। ये आपके ब्लड वेसल्स जो हैं उनको रिलैक्स कर देती हैं, उनको खोल देती हैं, ताकि आराम से ब्लड वहां से सर्कुलेट कर सके। उसके अलावा ऑब्वियसली आपने सब्जियों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है, फ्रेश सब्जियों का इस्तेमाल करें, जिसमें आपने टमाटर का इस्तेमाल करना है, गाजर का इस्तेमाल करना है, स्पिनच, साग वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर तरह के फल आप खा सकते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर ज्यादा आपने ध्यान देना है। अब हम सप्लीमेंट्स के हवाले से बात कर लेते हैं। एक तो ये कि कैल्शियम के सप्लीमेंट्स जो हैं वो स्टडी के मुताबिक बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं ब्लड प्रेशर को कम करने में। 1500 से 2000 मिलीग्राम रोजाना कैल्शियम के सप्लीमेंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सेफली प्रेगनेंसी में भी और नॉर्मल हालात में भी, ठीक है। सेकेंडली ये कि विटामिन डी लेवल्स आपने जरूर टेस्ट करवाने हैं। विटामिन डी लेवल्स अगर आपके कम हैं, तो प्लीज सप्लीमेंट्स के थ्रू इन विटामिन डी लेवल्स को आपने जो है नॉर्मल लिमिट तक लेकर जाना है। थर्डली ये कि फोलिक एसिड का इस्तेमाल आपने जरूर करना है, खासतौर पर जो भी मल्टीविटामिन आप ले रही हैं उसके अंदर फोलिक एसिड, विटामिन B6, विटामिन सी और विटामिन ई जरूर होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है ब्लड प्रेशर को कम करने में। और लास्ट सप्लीमेंट आ जाता है कुर्क्यूमिन के नाम से, या हल्दी।
अगर आप हल्दी का इस्तेमाल करना चाहती है तो ऑब्वियसली आपने प्योर हल्दी का इस्तेमाल करना है, ऑर्गेनिक हल्दी का इस्तेमाल करना है। हल्दी बहुत ज्यादा हेल्प करती है ब्लड प्रेशर को कम करने में, ठीक है, क्योंकि एंटी इंफ्लेमेटरी होती है। ओके, तो आप या तो कुरक्यूमिन के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। कुरक्यूमिन के सप्लीमेंट्स अगेन रिसर्च जो है बेस्ड है कि ये सप्लीमेंट्स आपके ब्लड प्रेशर को लोअर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं और सेफ होते हैं प्रेगनेंसी में कुरक्यूमिन का सप्लीमेंट लेना। इसी के साथ ही हमारी वीडियो हो जाती है खत्म। मेरी अगली वीडियो तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।